की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ काबुली चने की छोले बनाने की रेसिपी। और ये बहुत ही लाजवाब छोला बनकर हमारा तैयार है, तो हम छोले बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। छोले बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम काबुली चना और 7-8 घंटे के लिए इसे भिंगो दिए और उसके बाद कुकर में 5-6 सीटी आने तक इसको उबाल चुके हैं मीडियम आंच पर। अब हम इसके छोले बनाएंगे। 5 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिए हैं, तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच जीरा डाला है, 2 तेजपत्ता, 2 सूखी हुई लाल मिर्च और बहुत टेस्टी फ्लेवर लाने के लिए हम 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी को इसमें डाल देंगे। जीरा चटकने लगा है और हमारे तेल में से भी धुआं आने लगा है। अब इसी स्टेज पे हम इसमें 2 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और मीडियम आंच पे हम इसे 2 मिनट तक भून लेंगे। स्टेज पे हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। प्याज का कलर चेंज हो चुका है और जब प्याज भून जाए तभी आप अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, इससे छोले बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेंगे। और 1 प्याज का हम पेस्ट डालेंगे। 1 मीडियम साइज के प्याज का हम पेस्ट बना चुके हैं। इससे होगा ये कि हमारी ग्रेवी बहुत गाढ़ी बनेगी। प्याज हमारा बढ़िया से भून चुका है और आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसी स्टेज पे हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और सभी को हम अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। मसाले हमारे बढ़िया से भून चुके हैं। अब हम इसमें 2 टमाटर के पेस्ट डालेंगे। 2-3 मिनट और भून लेंगे। फ्रेंड्स, मसाले हमारे बढ़िया से भून चुके हैं। अब इसमें हम नमक मिक्स करेंगे स्वाद अनुसार। नमक हम चना उबालते वक्त भी डाले हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा नमक मिक्स किए हैं। आएगा इसमें 1 चम्मच गरम मसाला। सभी को बढ़िया से मिक्स कर देंगे। अब हम डाल देंगे चने। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। अब सभी को हम मिक्स कर देंगे। सभी को हम मिक्स कर दिए हैं। अब ही इसमें हम थोड़े पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम पानी मिक्स करेंगे। पानी आप अपने आवश्यकता अनुसार डालें। इस तरीके से सभी को हम बढ़िया से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारे छोले की कंसिस्टेंसी कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। अब 1 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अब इसे हम ढककर 8-10 मिनट तक पका लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। परफेक्ट हमारा छोला बनकर तैयार हुआ है और आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी न ज्यादा गाढ़ा है न पतला है, इस प्रकार इसकी अब कंसिस्टेंसी है। तो अब हम इसी स्टेज पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे सर्व करेंगे। छोले को हम फटाफट एक बाउल में निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया है छोले का। और अब हम इसे थोड़े धनिया के पत्ती से गार्निश करेंगे। इस पे
थोड़ा प्याज डालेंगे इस तरीके से। ये हमारा छोला बनकर तैयार है। आप इसे चपाती के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं और भटूरे के साथ खा सकते हैं। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है ये। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।